नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। जी हां, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई चीज की शुरुआत। जी हां, चुनावी महामुकाबला। फेसबुक पेज पर सभी जुड़ने वाले साथियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जीएस न्यूज अब इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए जो बिगुल बज चुकी है पूरे बिहार में, उसकी स्थिति के लिए अब हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे। चुनावी साल की जो तैयारी थी वो शुरू से चल रही थी, लेकिन आखिरकार चुनावी बिगुल बज गया। जी हां, बिहार में तीन फेज में चुनाव होंगे और जिसके लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। और लगातार जो स्थिति थी पहले की, लग ही रहा था कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव प्रारंभ होगा और उसी को लेकर चुनाव आयोग की टीम भी बिहार आई थी। अलग अलग जिले के जिला पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के साथ उन्होंने बैठक किया था और इसके बाद बिहार में तीन चरण में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगर हम बात करें भागलपुर जिले की, तो मैं अभी नौगछिया के इस मदन अहिल्या रोड में हूँ। यह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी हाँ, अगर नौगछिया के की बात करें तो भागलपुर जिले तो पहले ही फेज में शुरुआत कर रही है, यानी कि पहले फेज में ही भागलपुर जिले में चुनाव होंगे। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि भागलपुर जिले में भी इसे दो फेज में बांट दिया गया है, यानी एक फेज और सेकेंड, दूसरा फेज। एक फेज में गंगा के उस पार यानी भागलपुर शहर की बात की जा रही है, वहीं दूसरे फेज में गंगा पार जो है केलांचल के नाम से सुप्रसिद्ध नौगछिया की बात कही जा रही है। अगर हम बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, जो नोटिफिकेशन इशू की गई है, कि सेकेंड फेज यानी गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 9 अक्टूबर को होगा। जी हाँ, चुनावी बिगुल बजने के बाद यह 2020 बिहार विधानसभा का पुनः एक बार इतिहास बनाने को तैयार। क्या होगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले आपको इस चीज की जानकारी दें कि यहाँ कब और किस चीज का निर्णय लिया गया है। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो नोटिफिकेशन जो इशू होगा वो होगा हमारा 9 अक्टूबर को, यानी 9 अक्टूबर को बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी बिहार सरकार द्वारा जो बिहार चुनाव आयोग द्वारा जो जारी की गई है, इसके बाद और 16 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की तिथि रखी गई है। इसके अलावा 17 अक्टूबर तक स्क्रूटनी होगा और 3 नवंबर, जी हां, गोपालपुर विधानसभा और बिहपुर विधानसभा के लिए महामुकाबला वो 3 नवंबर को होगा। किसकी चलेगी बाजी, कौन मारेगा पलटी, 3 नवंबर को इसी गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा के उम्मीदवारों के भाग की, के उनके नसीब का जो है वो वोट होगा और वो होगा 3 नवंबर को। इसके बाद आगे की बात करें तो काउंसिलिंग और काउंटिंग जो है वो 10 नवंबर से शुरुआत होगी और 12 नवंबर को बिहार के सभी विधानसभा का एक साथ परिणाम होगा जारी। तो आज इस चुनाव भी जो समय है, चुनावी जो बिगुल बज चुकी है, चुनाव आयोग द्वारा जो घोषणा कर दी गई है, इसके बाद मैं आपको लगातार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तत्कालिक 3 नवंबर तक क्या होगी स्थिति चुनाव के पूर्व। कहा जाता है कि यहां गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा में जातिवाद चुनाव का ज्यादा आंकड़ा रहता है, यानी कहा जाता है कि एक तो यहां MY का फॉर्मूला चलता है, यानी मंडल और यादव का। कहा जाता है कि जिनका वोट बैंक इन जाति के तरफ जाएगा, चुनाव में ताज उन्हीं के सर पर सजेगा। तो गोपालपुर विधानसभा में जहां तक कि सबको मालूम है कि लगातार जदयू 3 बार विजयी हुए हैं और गोपालपुर विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, वो जदयू से 3 बार अपना विजयी पताका लहरा चुके हैं। वहीं वर्तमान में बिहपुर विधानसभा से वर्षा रानी जो अभी के वर्तमान विधायक हैं, कहा जा रहा है कि उनके पति और पूर्व सांसद बुलो मंडल स्वयं बिहपुर विधानसभा में चुनावी मैदान में आएंगे। तो आगे क्या होगा, इसकी रणनीति क्या बनेगी, लगातार चुनाव आयोग के बिहार पहुंचने के बाद राजनीतिक पार्टियों में जो है वो सरगर्मी शुरू हो गई है। लोगों के जुबान पर है कि क्या इस बार भागलपुर में विधानसभा में मुखड़े बदलेंगे या वही रहेगा, यानी उन्हीं के सर पर ताज सजेगा या नया चुनाव
में नया मुखड़ा आकर चुनाव जीत जाएगा। तो 3 नवंबर का वो समय तय हो चुका है जब गोपालपुर और बीपुर विधानसभा के उम्मीदवार के भाग्य की, जो उनके नसीब का है, वो उनका पिटारा बंद होगा और पूरे बिहार में 12 नवंबर को वो पिटारा खुलेगा और उसी 12 नवंबर के पिटारा से पता चलेगा कि क्या इस बार विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कैसी स्थिति रहती है। यह अचानक बनने वाला लाइव वीडियो है, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। वैसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि उनका चुनाव कब होगा, तो मैं पुनः आपको बता दूं कि भागलपुर जिले की शुरुआत प्रथम चरण से ही होगी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं भागलपुर जिले के जहां चुनाव पहला चरण में ही 28 अक्टूबर को ही होगा, लेकिन गोपालपुर और बीहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो इनके लिए भी, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यह चुनाव दूसरे चरण में होगा। इसके बाद 12 नवंबर को पूरे बिहार में एक साथ परिणाम की घोषणा होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कैसी स्थिति है। ये मैं आपको, हमारे साथ कैमरा में है सत्यम, मैं आपको ये सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि हम लोग अब लगातार चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे और बताएंगे कि कहां किनकी बढ़ रही है बढ़त, यानी कैसा है माहौल। मैंने हालांकि आपको चर्चा कर दिया है कि बीहपुर और गोपालपुर विधानसभा में जाति एक बड़ा मुद्दा बनता है, खास करके विधानसभा चुनाव में। तो क्या होगी रणनीति, अलग अलग पार्टियों का लगातार बैठक जारी है। नौगछिया जो काफी मशहूर रहता है, केलांचल के नाम से जाने वाला नवगछिया, अब की बार क्या विधानसभा में कोई तख्ती पलटेगा या वही चेहरा रहेगा, तो आगे भी हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बस चुनावी जानकारी के लिए। अब लगातार हमारा 12 नवंबर तक कवरेज रहेगा जारी, हर चीज की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे लगातार। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं GS News।